हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तपोवन ग्रुप ऑफ स्कूल। माय नेम इज़ राजपूत मोनी। वी आर गोइंग टू स्टैंडर्ड 7, चैप्टर नंबर 12, एक्सरसाइज नंबर 12.3, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हमने लास्ट वीडियो तक एडिशन सब्ट्रैक्शन देखा, अब हमें उसके वैल्यूज पुट डाउन करनी, वो सीखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा वही है, इफ़ एम इज इक्वल टू 2 तो फाइंड द वैल्यू। तो एम की वैल्यू हमें रखनी कितनी है आपको, 2। जहाँ पर भी आपको एम दिखे वहाँ पर आपको एम की वैल्यू रखनी है। तो फर्स्ट हमारा है m माइनस 2, यानी m की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 2 माइनस 2। तो 2 में से 2 गए तो कितना बचा, 0। यानी m की वैल्यू अगर हम रख रहे हैं तो 0 आंसर आ रहा है। सेकेंड टर्म हमारा ये है 3m माइनस 5। सेकेंड में क्या है, 3m माइनस 5। तो 3 तो ऑलरेडी जैसा है वैसा, m की जगह पे आप क्या लिखोगे, 2 माइनस 5। अब ये दोनों 3m जो है वो मल्टीप्लीकेशन में है, तो 3 × 2 = 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1। आंसर कितना आया, 1। थर्ड नंबर 9 माइनस 5m, तो 9 माइनस 5m की वैल्यू कितनी, 2। तो 9 माइनस 5 × 2 = 10, 9 में से 10 गए तो माइनस 1। तो ये थर्ड का आंसर। तो इसी तरह से आपको वैल्यूज रखनी है और फाइंड आउट करनी है। अब थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर देखते हैं, 3m² माइनस 2m माइनस 7। यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, तो 3 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 माइनस 7। तो 3 का 2 का स्क्वायर 4, 2 × 2 = 4 माइनस 7, 3 × 4 = 12 माइनस 4 माइनस 7, 12 में से 11 गए तो 1। देन 5 नंबर 5m, तो 5 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 माइनस 4। अब ये जो 2 मल्टीप्लाई में वो कट कर दो, तो 5 − 4 आंसर कितना आया, 1। यहाँ पे m की वैल्यू कितनी, आपकी m की वैल्यू रखने पे आंसर कितना आ रहा है, 1। इस इक्वेशन के आंसर क्या आ रहा है, 1। क्वेश्चन नंबर 2, p इज इक्वल टू −2, हमें वैल्यू रखनी है। तो फर्स्ट वैल्यू 4p + 7, यानी 4 × −2 + 7, 4 × 2 = 8 प्लस 7, 8 में से 7 गए तो 1। बिगर अमाउंट के साइन क्या है, माइनस, तो माइनस 1। आगे आपका आंसर यहाँ पे देखिए, ये रहा जो हमने अभी सम किया, माइनस 1। सेकेंड नंबर 3p² + 4p + 7, तो माइनस 3, पी की वैल्यू कितनी रखनी है, माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 प्लस 7। तो माइनस 3, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 प्लस 4 × 2 = 8 माइनस 8 प्लस 7, तो 4 × 3 = −12 माइनस 8 प्लस 7, 12 प्लस 8 माइनस 20, 20 में से 7 गए तो कितने बचेंगे, माइनस 13। आंसर कितना आया, माइनस 13। इसी तरह थर्ड नंबर भी सेम करना है, 2 की वैल्यू हमें रखनी है, p की वैल्यू में 2 की वैल्यू कितनी होगी, माइनस 2 का क्यूब, यानी 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8 माइनस 8, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, माइनस 3 बार माइनस की मल्टीप्लाई करोगे, 3 टाइम्स 2 × 1 = माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस इंटू माइनस माइनस, यानी माइनस 8। 3p² यहाँ पे क्या होगा, प्लस 3 × 4 = 12, 4p तो यानी 4 × 2 एंड प्लस 7। तो स्टार्ट करते हैं सम, 8 × 2 = 16 आ गया, फिर क्या, 3 × 4 = 12 एंड 4 × 2 = 8 प्लस 7, तो 16 ऑलरेडी है, 12 माइनस 18 कितने होंगे, माइनस 30 प्लस 7। आप माइनस हो, कितना आंसर आ रहा है आपका, 3 आ रहा है, बिगर माइनस 3। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग द व्हेन एक्स इज इक्वल टू −1। आपको यहाँ पे जहाँ पर भी आपको x दिखेगा वहाँ पे x की वैल्यू आपको क्या रखनी है, माइनस 1। तो 2 × −1 − 7, 2 × 1 = 2 माइनस माइनस 7, तो माइनस 2 एंड माइनस 7 कितने होंगे, माइनस 9। फिर है माइनस x प्लस 2, तो यहाँ पे क्या होगा, x की जगह पे हमें क्या रखना है, माइनस 1। सो माइनस 1 प्लस 2 कितना हो गया आपका, प्लस 3, यानी माइनस एक्स तो ऑलरेडी है, माइनस 1 प्लस 2, तो माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 2, तो प्लस 1 प्लस 2 कितने हो गए, प्लस 3। थर्ड नंबर सेम,
एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, तो x का स्क्वायर यानी वन, टू इन वन जा माइनस टू प्लस वन, वन वन प्लस टू माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, तो इसका आंसर कितना आया जीरो। फोर्थ नंबर, टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, यानी कि टू एक्स यानी माइनस का वन का स्क्वायर, वन माइनस वन माइनस टू, यहाँ पे क्या आएगा टू वन जा टू, माइनस माइनस प्लस वन माइनस टू, तो थ्री में से टू गए तो टू वन थ्री, थ्री में से टू गए तो वन। क्वेश्चन नंबर फोर, इफ द ए इज इक्वल टू टू एंड बी इज इक्वल टू माइनस टू, तो फाइंड द वैल्यू। अब यहाँ पे दो दो वेरिएबल्स हैं, दोनों की वैल्यूज दी है, तो हमें फाइंड आउट करना है ए की वैल्यू क्या दी है टू का स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या दी है माइनस टू का स्क्वायर, टू का स्क्वायर फोर, फोर प्लस फोर एट, फर्स्ट का आंसर कितना आया एट। सेकेंड ए स्क्वायर यानी माइनस टू सॉरी प्लस टू का स्क्वायर, टू इंटू माइनस टू और यहाँ पे टू माइनस टू का स्क्वायर, फोर टू टू जा फोर माइनस फोर, टू का स्क्वायर फोर, तो ये कट हो गए, बचा कितना फोर, राइट। तो सेकेंड का आंसर कितना आया आपका फोर। थर्ड नंबर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर कितना होगा टू का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी माइनस टू का स्क्वायर यानी फोर माइनस फोर यानी जीरो, तो यहाँ पे आंसर कितना आया थर्ड का जीरो। क्वेश्चन नंबर फाइव, ए इज इक्वल टू जीरो एंड बी इज इक्वल टू माइनस वन, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन, तो जो भी एक्सप्रेशन दिया है रखनी है वैल्यू, टू की वैल्यू कितनी है ए की वैल्यू जीरो, बी की वैल्यू कितनी है माइनस वन, सॉरी यहाँ पे टू है, तो टू इंटू जीरो जीरो, टू वन जा माइनस टू, आंसर कितना आया माइनस टू। सेकेंड नंबर सेम, इसी तरह से आपको करना है। थर्ड नंबर देखते हैं, सेकेंड नंबर आप होमवर्क में करोगे, टू ए स्क्वायर, सेकेंड नंबर का आंसर कितना आएगा टू, देख लीजिएगा ट्राई कीजिएगा। अब ए की वैल्यू कितनी है जीरो प्लस वन, फिर से टू इंटू जीरो प्लस वन का स्क्वायर इंटू वन इंटू सॉरी जीरो इंटू वन, अब यहाँ पे टू वन ज़ा टू प्लस इंटू जीरो जीरो, यहाँ पे भी टू वन ज़ा टू इंटू जीरो जीरो, यहाँ पे जीरो इंटू वन जीरो, आंसर कितना आया आपका जीरो। लास्ट फोर नंबर, ए का स्क्वायर जीरो, ए बी यानी जीरो इंटू वन, टू का स्क्वायर, टू का कुछ करना ही नहीं है तो सो टू जीरो, आंसर कितना हो गया टू। तो इस तरह से वैल्यूज रखनी है और आपको आंसर फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर हमने फाइव तक देखा, आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।